माता दी दोस्तों, आज हम चल पड़े हैं इंदौर से 130 किलोमीटर दूर नलखेड़ा पांडवकालीन मंदिर की तरफ, नलखेड़ा माता बगुलामुखी मंदिर। आइए करते हैं दर्शन। करते से ही हमें मंदिर में एक बहुत ही भव्य एक स्थान देखने को मिलता है, जहाँ पर हजारों भक्त एक साथ एकत्रित हो सकते हैं। यहाँ से प्रवेश द्वार पर दो प्रवेश द्वार दिए गए हैं, एक शेर की मुंह की आकृति का बना हुआ मार्ग है, द्वार है, और दूसरा जो बुजुर्ग हैं ऊपर नहीं चढ़ सकते हैं उनके लिए अलग से प्रवेश द्वार दिया गया है। शेर के मुंह का जो द्वार दिया गया है अपने आप में बहुत अलौकिक है। इसमें से प्रवेश करके मंदिर में भक्त प्रवेश करते हैं और एक बहुत ही अजीब अनुभूति प्राप्त करते हैं। प्रांगण में प्रवेश करने के साथ ही सबसे पहले सामने हमें माँ बगुलामुखी माता के दर्शन होते हैं। मंदिर अपने बहुत ही भव्य स्वरूप में है और यहाँ भक्तों की सदैव 12 महीने नवरात्र और नवरात्र के अतिरिक्त भी भक्तों की कतार इसी प्रकार से देखने को मिलती है। साथ ही हमें उल्टे हाथ पर एक कोटा नज़र आता है, जिसमें कई सारे पंडित भक्तों की सेवा के लिए, यज्ञ के लिए सदैव बैठे रहते हैं और सेवा का लाभ देते हैं। हमें यहाँ पर राधा कृष्ण का एक बहुत ही बढ़िया कांच से सुसज्जित मंदिर देखने को मिलता है। यहाँ पर राधा कृष्ण अपनी बहुत ही भक्तों को लुभाने वाली मूर्त विराजित हैं और यहाँ पर भक्तों का एक ढोल ताल के साथ में आरती करने का आनंद, भक्तों को सौभाग्य प्राप्त होता है और श्रद्धा में डूबकर भक्त आरती करते हैं। रात्रि में रात्रि के समय यहाँ मंदिर में उपस्थित हैं और आइए अब चलते हैं मंदिर की पूरी परिक्रमा के लिए। इस मंदिर में आपको अभी रात को भी जो है भक्तों का बहुत तादाद में अच्छी संख्या में दर्शन करने के लिए भक्त आतुर हैं, कतार में खड़े हुए हैं। आगे जैसे हम बढ़ते जाते हैं, मंदिर में एक भव्य स्थान दिया हुआ है और पीछे हमें यज्ञशाला देखने को मिलती है। यहाँ पर हवन की प्रक्रिया, हवन की क्रियाएं बहुत अलग होती हैं और यहाँ पर भक्त आकर के भी सारी परेशानियों से मुक्ति प्राप्त करते हैं और सारी अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ने के साथ ही हमें यहाँ पर आप भोजनशाला, साथ ही यहाँ पर आने के पहले भक्तों को दर्शन के पहले, यज्ञ के पहले यहाँ पर्ची कटाना होती है, जिसकी कि यहाँ पर आप विंडो देख सकते हैं। यहाँ पर भोजनशाला की भी उचित व्यवस्था करी हुई है, जो भक्त हैं यहाँ पर भोजन प्रसादी का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पर जल की व्यवस्था अंदर ही दी गई है, जहाँ पर भक्त आकर के अपने जल की व्यवस्था का भी आनंद प्राप्त कर सकते हैं। इस पूरे मंदिर में यह कह सकते हैं कि व्यवस्थाओं को देखते हुए यहाँ पूर्ण भक्तों की व्यवस्था का ध्यान रखा गया है। बड़े बड़े वृक्ष जो हरियाली और ठंडक प्रदान करते हैं। यहाँ आगे बढ़ने पर एक बड़े वृक्ष के नीचे हम भैरू जी का एक विराट स्वरूप देखने को मिलता है, जो कि सोने के श्रृंगार में, शुद्ध सोने के श्रृंगार में उनका श्रृंगार किया जाता है। एक ऐसी मूर्त है जो भक्तों का मन मोह लेती है। साथ ही हम जैसे आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं कि इस मंदिर में जगह जगह भक्तों का एक सैलाब है। भक्त यहाँ पर के सिर्फ और सिर्फ माँ की भक्ति में और भैरव की भक्ति में अपने आप को रंग लेते हैं। ये कतार जो आप देख रहे हैं यहाँ विंडो से, भक्तों को अपने पंडित जी के नाम के साथ में एक शुल्क, नॉमिनल शुल्क की पर्ची कटवाना होती है, उसके पश्चात वो हवन में बैठ करके हवन का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही अब हम पूरी परिक्रमा करते हुए पुनः बगुलामुखी माता मंदिर के स्वरूप पर, मंदिर के नज़दीक ही यहाँ पर बजरंगबली की एक बहुत ही मनमोहक मूर्त है, जिसका भक्त दर्शन प्राप्त करके आनंद प्राप्त करते हैं, हनुमान मंदिर नलखेड़ा। अब हम मंदिर के मुख्य प्रवेश गर्भगृह में प्रवेश कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे बगुलामुखी माता का बहुत निकट से, नज़दीक से दर्शन कराने का हमने पूर्णतः प्रयास किया है। यहाँ भक्त दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी श्रद्धा अनुसार माँ को मनाते हैं, माँ को लुभाते हैं और अपनी मनोकामनाएं और सिद्धियाँ प्राप्त करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। यह मंदिर चारों तरफ से शमशान से घिरा हुआ है। इस मंदिर की विशेषता अपने आप में यह है कि एकमात्र ऐसा मंदिर है जो कि चारों तरफ से शमशान से घिरा हुआ है। तो इसका पौराणिक काल के अंदर
तंत्र मंत्र के लिए मंदिर काफी प्रसिद्ध रहा है। यहाँ तांत्रिक अपने सिद्धियों के लिए यहाँ मंत्र साधना किया करते थे और आज भी कई यहाँ पर तांत्रिक तंत्र विद्याओं के लिए यहाँ पर आते हैं और कई सारी सिद्धियाँ प्राप्त करते हैं। माँ बगुलामुखी माता के मंदिर का निर्माण पांडव काल में हुआ था। इस मंदिर के बारे में भी कहा जाता है कि जब पांडवों ने युद्ध किया था उस वक्त युद्ध की विजय के लिए यहाँ पर आकर के माता से आशीर्वाद प्राप्त किया था, यानी कि इस मंदिर को विजय माता के रूप में भी देखा जा सकता है। इस मंदिर में आप देखेंगे कि माँ बगुलामुखी माता का मंदिर अंदर से पूर्ण शरीर से कांच के एक बहुत ही शोभनीय और मनमोहने वाली मुद्रा में मनमोहक एक श्रृंगार के साथ में मंदिर का निर्माण किया गया है। यहाँ पर माँ बगुलामुखी के साथ में भैरव जी की बहुत ही मनमोहक मुद्रा मुस्कुराती हुई नजर आती है, जो कि भक्तों का अनायास ही मन मोह लेती है। यहाँ पर नित्य प्रतिदिन भक्तों की अपरंपार संख्या अंग संख्या में माँ बगुलामुखी माता के लोग दर्शन करते हैं और अपनी सारी मनोकामनाएं सिद्धियां और मंत्र सिद्धियां प्राप्त करके हर प्रकार के कष्टों से अला से बला से मुक्ति प्राप्त करते हुए स्वास्थ्य लाभ भी प्राप्त करते हैं। ये मंदिर अपने आप में पूरे स्थान रखता है। अब हम मंदिर से पीछे घाट की तरफ चल रहे हैं, जहाँ मंदिर के पीछे की तरफ में घाट दिया गया है और सामने ही शमशान घाट है। इस घाट का अपने आप में पुराने काल वाला महत्व रहा है। सनातन धर्म में जहाँ जहाँ देवी की स्थान है उनकी अपनी पहचान है, उनका अपना एक स्वरूप है और उनकी एक ख्याति है। ऐसे ही आज हम जिस मंदिर पर हैं, बगुलामुखी मंदिर, जो कि उज्जैन से नज़दीक में है, इस मंदिर का जो निर्माण है आप देख सकते हैं, चारों तरफ शमशान घाट है और सात नदी का घाट है और यहाँ पर ये मंदिर स्थित है। तो इसी कारण से तांत्रोक्त और मंत्र शक्तियों के लिए ये मंदिर 5000 वर्षों से बहुत विश्वसनीय रहा है और इसकी पहचान रही है। इस मंदिर की विशेषताएं और क्या हैं हम जानना चाहेंगे। यहाँ के पंडित जी हैं, यहाँ सेवा करते हैं और जो हवन की विधियाँ कराते हैं, जुगल किशोर जी हमारे साथ हैं। अब इस मंदिर के बारे में हम आगे जानकारी प्राप्त करना चाहेंगे। पंडित जी जी, जय माता जी। ये मंदिर 5000 वर्ष पूर्ण हो गए। इस मंदिर को भगवान कृष्ण विद्या अध्ययन करने के लिए सांदीपनी आश्रम में आए थे, तो वहाँ से पांडवों को उन्होंने निर्देश दिया था कि आप माता बगुलामुखी नलखेड़ा में विराजमान हैं, तो उनके निर्देश अनुसार यहाँ पे पांडव आए थे और यहाँ पे माता की पूजन अर्चन किया था और माता उनकी भक्तियों से प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर उनको विजय श्री आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त हुआ था। यहाँ पंडित जी, जो इस मंदिर की ख्याति है कि तांत्रिक विद्याओं के लिए मंदिर का फेमस रहा है, यहाँ तो क्या कारण है उसका? यहाँ पर चारों ओर शमशान है, बीच में माता बगुलामुखी विराजमान है और जैसे 10 महाविद्या होती है। अच्छा, ये तंत्र की अरिष्टात्री देवी अष्टम महाविद्या बगुलामुखी है ना, इनको राजयोग माता भी कहते हैं। जो बड़े बड़े देश के कई नेता यहाँ पर अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और माता इसे विशेष आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त करते हैं। यहाँ का पंडित जी, कोई पूजन की विशेष विधि भी है, ध्यान भी है कुछ अलग मंदिरों से अलग हटकर के कुछ? यहाँ मिर्ची का हवन बड़ा रहता है और अभी काली मिर्च है, पूरा संतृप्त क्रिया से जो साबर मंत्र की जो आहुतियाँ होती है वो विशेषकर यहाँ इस मंदिर में ही होती है। और यहाँ की जो मूर्ति स्थापित है ये स्वयंभू है, स्वयंभू। अच्छा जी, माता यहाँ स्वयंभू विराजमान है। मंदिर की स्थापना महाराज धर्मराज युधिष्ठिर ने यहाँ पर करवाई थी जी। तो यहाँ पर जो पूर्व काल में 5000 वर्षों की बातें करते हैं जी, तो कई सारे ऋषि मुनियों का यहाँ पर जमकर रहा होगा, उनका आस्था केंद्र रहा होगा, अभी भी तपस्या काफी लोगों ने करी होगी जी। बिल्कुल, नवरात्रि के समय में काफी लोग अपनी मनोकामना को लेकर आते हैं और अपनी साधना के अंतर्गत यहाँ कार्य करते हैं और माता को सब अलग अलग प्रकार से अलग अलग भजते हैं और माता उनको विजय श्री आशीर्वाद प्रदान यहाँ से करती है। मतलब माँ सबसे प्रसन्न रहती है, सबको आशीर्वाद प्राप्त होता है जी। और खास तौर से किसी अनुष्ठान के लिए, किसी कार्य के लिए अगर विजय श्री आपको चाहिए है, हाँ, तो माँ बगुलामुखी चरणों में आप आए, अर्जी लगाएं और सफलता आपको अर्जित होगी। बिल्कुल, माता उनको विजय श्री आशीर्वाद यहाँ से प्राप्त होता है। नवरात्रों में कोई विशेष तरह की भी व्यवस्था रहती है महाराज, भोजन को लेकर के या किसी अन्य अवस्था को लेकर? नवरात्रि जैसे एक वर्ष में 4 नवरात्रि आती है, लेकिन विशेषकर जैसे चैत्र नवरात्रि, उसमें प्रथम दिन से लेकर नवमी तक माता का भंडारा चलता है। अच्छा। माँ पीताम्बरा सेवा समिति है, उनके द्वारा निःशुल्क सेवाएं
व्यवस्थाएं जो रहती हैं, भोजन की स्वल्प आहार जो फलार करते हैं उनकी व्यवस्थाएं एक अलग रहती हैं। दोनों नवरात्रि में यहाँ पर भंडारे की व्यवस्थाएं रहती है जी। तो अभी जाना हमने पांडी जी से कि इस प्रकार से मंदिर की व्याख्याता है और क्यों मंदिर की प्रसिद्धि है और तंत्रोक्त शक्तियों के लिए ये मंदिर क्यों फेमस रहा है, प्रसिद्ध रहा है, तो और भी इस मंदिर के बारे में चर्चा करेंगे हम। इसके साथ ही जय माता दी, जय जय माता जय। का जो शयन व्यवस्था होती है उसे देख सकते हैं, मंदिर के पट लगने के पूर्व यहाँ आपको शयन करवाया जाता है। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक, शेयर नहीं किया है अवश्य करें। मेरे चैनल बड़े हो सकते हैं लेकिन मैंने हमेशा प्रयास किया है पूर्ण रूप से आपको मंदिरों की पूर्ण जानकारी देने का। अतः लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय माता दी।